कैप्टन ब्रजेश थापा, नायक डी राजेश, सिपाही बिजेंद्र और सिपाही अजय। ये वो नाम हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर के डोडा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। ये वो शहीद हैं जिन्होंने देश की आन बान शान की खातिर अपना सर्वस्व देश के लिए न्योछावर कर दिया। दरअसल जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना और कश्मीर एसओजी की टीम ने आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया था। धारी गोटे उरार बागी नाम की जगह में आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। डेसा जंगल में सर्च ऑपरेशन चल रहा था, इस बीच आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें सेना के एक कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान भी घायल हुआ है। घने जंगल में आतंकियों की तलाश अब भी जारी है। आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकियों से बदला लेने के लिए सेना के जवानों ने जंगल में फिर से सर्च अभियान शुरू कर दिया है। सेना की स्पेशल फोर्स आर्मी के विशेष हेलीकॉप्टर से आतंकियों की तलाश की जा रही है। आने जाने वाली गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है। शहीद हुए जवानों में झुंझुनू जिले के भैसावता गांव के सिपाही अजय सिंह भी हैं। बेटे की मौत से गमजदा पिता बेटे की याद में फूट फूट कर रो रहे हैं। शहीद के आवास पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है।